हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है ज्ञानस्थली क्लासेस में। आज हम यूजीसी ने 2022 के लिए एजुकेशन सब्जेक्ट का यूनिट 9 डिस्कस करेंगे, जिसका कि पहला टॉपिक है एजुकेशनल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप। इस टॉपिक का हम पहला पार्ट डिस्कस करेंगे, जो है एजुकेशनल मैनेजमेंट। एजुकेशनल मैनेजमेंट का मीनिंग, प्रिंसिपल्स, फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट क्या होता है, और उससे पहले हम ये देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। मैनेजमेंट जो है वो प्रोसेस है, किसी भी चीज़ को जब हम प्लान करते हैं और उस पर्टिकुलर वर्क के लिए हम कुछ चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने गोल्स को जो है एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में अचीव करने के लिए, उसे हम मैनेजमेंट कहते हैं। तो जैसा कि वर्ड एजुकेशनल मैनेजमेंट से पता चलता है कि यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम के मैनेजमेंट के बारे में बात हो रही है। इट रिफर्स टू दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इन विच अ ग्रुप कम्बाइंस ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू सुपरवाइज, प्लान, स्ट्रेटेजाइज एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रक्चर्स टू एग्जीक्यूट एन एजुकेशन सिस्टम। जैसा कि मैंने बताया कि एजुकेशनल मैनेजमेंट जो है वो एजुकेशन सिस्टम से रिलेट करता है, ये कंबाइन करता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। मतलब ह्यूमन वहाँ का टीचिंग स्टाफ, प्रिंसिपल, मैनेजर, स्टूडेंट्स और जो भी स्टाफ है हमारा, क्लीनिनेस और साफ सफाई के लिए जो भी अदर स्टाफ है, वो सभी ह्यूमन रिसोर्स में आते हैं। और मटेरियल रिसोर्सेज जैसे कि हमने प्रॉपर टेबल, चेयर, लोगों के फैसिलिटी के लिए हमने वाटर कूलर्स और टीचर्स के लिए जो है ब्लैक बोर्ड अच्छे सा, ये सारे चीज़ें जो मटेरियल हम जो वहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं पर्टिकुलर सिस्टम के लिए, इन सभी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जब हम इसे ऑर्गेनाइज करते हैं और इसे हम यूज़ करते हैं ऑप्टिमम वे में, तो हम उसका मैनेजमेंट ईजी वे में कर सकते हैं। ठीक है, इट डील्स विथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस राइट फ्रॉम द स्कूल्स एंड कॉलेजेस। इट इज कंसर्न विथ बोथ ह्यूमन एंड मटीरियल रिसोर्सेज विच आर एसेंशियल, बिकॉज द डिग्री ऑफ सक्सेस ऑफ द एजुकेशन मैनेजमेंट ऑफ एनी एजुकेशन प्रोग्राम डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि कोई भी एजुकेशनल सिस्टम का जो है मैनेजमेंट तभी सक्सेस होता है जब भी वहाँ के ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है, उनका प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनका प्रॉपर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है उन रिसोर्सेज का, तभी एजुकेशनल मैनेजमेंट जो है वो फ्रूटफुल होता है, सक्सेसफुल होता है। ओके, जैसा कि जी टेरी पेज और जे बी थॉमस ने डिफाइन किया है एजुकेशन मैनेजमेंट को एज द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एजुकेशनल एस्टैब्लिशमेंट्स एंड सिस्टम्स। अब आते हैं कि एजुकेशनल मैनेजमेंट का नेचर क्या है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ नेचर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। एजुकेशनल मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल प्रोसेस। यूनिवर्सल प्रोसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होता है। जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है वो हर जगह, हर देश में, हर राज्य में, हर तरीके के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सेम होता है। मतलब हर उसमें, हर हर एजुकेशनल सिस्टम में हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं और स्टाफिंग करते हैं, बजटिंग करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, ये सारे सिस्टम जो मैनेजमेंट के जो प्रोसेस है ये हर एक एजुकेशन सिस्टम में फॉलो होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है एजुकेशनल मैनेजमेंट इज एन आर्ट। एजुकेशनल मैनेजमेंट जो है वो आर्ट है, क्योंकि ये साइंस नहीं है, ये कोई प्रूफ नहीं मांगता या कोई रूल में रूल बाउंड नहीं है कि हाँ ये पर्टिकुलर रूल दिया हुआ है इसी के अंडर काम करना, नहीं। इट इज़ बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिव आइडियाज, सो दैट्स वाई इट इज़ एन आर्ट। क्योंकि जो मैनेजर होता है उसको अपने स्किल का बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हुए कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ उसको लाने चाहिए, कुछ इनोवेटिव चेंजेस करने चाहिए अपने जो है एजुकेशनल मैनेजमेंट में, जिससे कि आर्ट में आती हैं। थर्ड है
कि एजुकेशन मैनेजमेंट इज़ अ सोशल साइंस। सोशल साइंस, इसे सोशल साइंस क्यों कहा गया? क्योंकि ये कहीं ना कहीं डील करता है सोसाइटी से। एजुकेशन सिस्टम जो है वो एक सोसाइटी का पार्ट होता है, इसलिए समाज के कल्चर, समाज के वैल्यूज़ कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में इनबिल्ट होते हैं, जिससे कि वो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं उन्हें सिखाते हैं, उनको उसके लिए जो है परिपूर्ण करते हैं कि जिससे वो अपने सोसाइटी के कल्चर्स को, वैल्यूज़ को सीख सकें। इसलिए ये एक तरीके का सोशल साइंस है। ठीक है, फोर्थ वन इज एजुकेशनल मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन। प्रोफेशन कहें तो कि जो मैनेजर होते हैं, एजुकेशन सिस्टम हो या कोई भी, अगर मैनेजर जो है वो प्रोफेशनल नहीं है, स्किल्ड नहीं है, तो कोई भी सिस्टम, कोई भी इंस्टीट्यूशन प्रॉपरली रन नहीं हो पाएगा। इसलिए एजुकेशन मैनेजमेंट भी जो है एक तरीके का प्रोफेशन है। एक स्किल्ड मैनेजर की ज़रूरत होती है एजुकेशन सिस्टम के लिए। कोई भी किसी को भी हम नहीं रख सकते रैंडमली। द फिफ्थ वन इज एजुकेशन मैनेजमेंट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट कहें तो कि एजुकेशनल मैनेजमेंट की वजह से हम कई सब्जेक्ट के बारे में जो है हम स्टूडेंट्स को नॉलेज दे पाते हैं, कई सब्जेक्ट के बारे में उन्हें हम जो है जानकारी प्रोवाइड करा पाते हैं समय समय के अनुसार। जैसे कि अगर हम एजुकेशनल मैनेजमेंट हमारा प्रॉपर है, तो हम जो भी एक्टिविटीज़ हैं हम उन्हें प्रॉपरली मैनेज करेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, हम बच्चों को जैसे कुछ भी सिखा रहे हैं एनवायरनमेंट के बारे में, फॉर एग्जांपल सिखा रहे हैं, तो हमारा मैनेजमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि अगर हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो हमें बच्चों को जो है नेचर से, मतलब कि रियल उनको फेस टू फेस जो है हर चीज़ों को बताना चाहिए, ना कि खाली शब्दों से, उन्हें पिक्स के द्वारा, उन्हें जो है बाहर ग्राउंड में ले जा करके एनवायरनमेंट के बारे में दिखाना, बताना, तब कहीं ना कहीं वो एनवायरनमेंट के बारे में जानते हैं, सोसाइटी से उन्हें अवगत कराना, कुछ ऐसे सोसाइटी के कल्चर्स हैं, जैसे कि जो एनुअल फंक्शंस होते हैं उसमें हम जो कल्चरल प्रोग्राम्स करें, ऐसे वैसे गाने ना रख करके कुछ ऐसे गानों पर हम परफॉर्मेंस जो है बच्चों का करवाएं, जिससे कि वो और अपने देश के कल्चर्स के बारे में जाने। इसलिए एजुकेशन मैनेजमेंट जो है ये मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। एजुकेशनल मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस। ये डायनेमिक प्रोसेस है क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो स्टेबल नहीं होता है। जैसे जैसे समय के अनुसार चेंजेस आते जाते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हों या फिर किसी भी तरीके के सोसाइटी में चेंजेस हो रहे हैं, कल्चरल चेंजेस हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें इफ़ेक्ट करते हैं, एजुकेशन सिस्टम को इफ़ेक्ट करते हैं। इसलिए हमें उस टाइम के अकॉर्डिंग जो है हमें एडजस्ट करना चाहिए, किस तरीके से हम अपने जो मैनेजमेंट है उसको हम उसमें ढाल लें, उसको हम फ्लेक्सिबिलिटी की तरह फ्लेक्सिबल जो है अपने मैनेजमेंट को रखें, जिससे कि जैसे समय आए हम उसको उस हिसाब से एडजस्ट कर सकें, उससे कोई डिस्टर्बेंस हमारे एजुकेशन सिस्टम में ना हो। इसलिए इट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस। एजुकेशनल मैनेजमेंट जो है वो गोल ओरिएंटेड होता है। एजुकेशनल मैनेजमेंट जो है वो गोल ओरिएंटेड इसलिए है क्योंकि हम कोई भी एजुकेशन सिस्टम अगर हम खोल रहे हैं, तो जो अगर उसका जो हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, अगर उसका कोई गोल नहीं है तो एजुकेशन सिस्टम का कोई मतलब नहीं है। मैनेजमेंट हम किसी भी चीज़ के लिए मैनेजमेंट करें तो केवल एक पर्टिकुलर एजुकेशन सिस्टम के एटमॉस्फेयर के लिए नहीं, उसमें हम कुछ एजुकेशन जो टेक्निक्स हैं, कुछ टूल्स हैं, कुछ कैसे जो है कितना रिजल्ट हमें अचीव करना है, किस लेवल तक हमें स्टूडेंट्स के माइंड को जो है डेवलप करना है, उनकी स्किल्स को डेवलप करना है, ये सारी चीज़ें जो है गोल ओरिएंटेड होती हैं। एजुकेशन मैनेजमेंट जो है वो सोसाइटी के लिए भी गोल ओरिएंटेड है, सोसाइटी के गोल्स को भी जो है पूरा करता है, तो दैट्स वाई इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड। एजुकेशन मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। ऑब्वियसली इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी ऑफ स्टाफ, टीचर्स, स्टूडेंट्स, मैनेजर्स, प्रिंसिपल, सोसाइटी, और हमारे जो है मटेरियल रिसोर्सेज भी, तो ये सारी चीज़ें जो है एक ग्रुप है जो एजुकेशन मैनेजमेंट को इफेक्ट करता है। तो एजुकेशन मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। पहला प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि सभी लोगों का जो है व्यू होना चाहिए, सभी लोग इक्वल हैं, सभी लोग का इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए,
क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम है ये सोसाइटी का मिनिएचर है। सोसाइटी के लिए हम अगर हम कोई भी डिसीज़न लेते हैं तो वो सोसाइटी को इफ़ेक्ट करता है पूरी तरीके से, इसलिए उसमें फुल पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, किसी भी पॉलिसी का डिसाइड करते वक्त होना चाहिए, ना कि अकेले मैनेजर ही डिसाइड कर ले कि हाँ कौन सी पॉलिसी हमें लागू करनी है इस एजुकेशन सिस्टम में या किस तरीके से हम मैनेज करें जो है एजुकेशन सिस्टम को। नहीं, हमें जो है पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहिए अपने स्टाफ का, अपने स्टूडेंट्स का, अपने कम्युनिटी मेंबर्स का, किसी भी डिसीज़न को लेने के पहले। ठीक है, तो अगर हम प्रॉपर जो है पार्टिसिपेशन सभी का होता है तो जो भी डिसीज़न लिया जाता है वो इफ़ेक्टिव होता है पॉजिटिव वे में, और हमारी सोसाइटी को भी जो है पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करता है। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। अ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हु बिलीव्स इन डेमोक्रेसी शुड नॉट शो अनड्यू फेवर, ही शुड शो फुल जस्टिस टू ऑल। रिस्पेक्ट फॉर जस्टिस क्विकेंस द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स एंड डिस्प्यूटेड। लैक ऑफ जस्टिस लीड्स टू नॉन कोऑपरेशन अमंग द पर्सन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ठीक है, मतलब एज अ हेड ऑफ एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपको जो है अनड्यू फेवर नहीं शो करना चाहिए, और फुल जस्टिस जो है सभी के लिए आपके पास आपको दिखानी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए जस्टिस के लिए। और अगर जस्टिस नहीं है तो कहीं ना कहीं वो नॉन कोऑपरेशन जो है पैदा करेगा लोगों के बीच में, और द मोमेंट द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन पेज रिस्पेक्ट टू जस्टिस मोस्ट ऑफ हिज ट्रबल्स विल बी ओवर। द थर्ड प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स इक्वल इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल, मीन्स ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। सो दैट्स वाई फॉर एजुकेशनल मैनेजमेंट एवरी पर्सन, एवरी स्टूडेंट, एवरी टीचर इज इक्वल। ओके, हेंस डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन शुड प्रोवाइड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। द प्रिंसिपल शुड बी अ जस्ट रादर देन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। सभी को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ये ना हो कि जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसमें हम फ़र्क ना करें कि उनके कास्ट को लेकर के या उनके क्लास को लेकर के हम फ़र्क ना करें। उनको हम जो भी एजुकेशन दे रहे हैं, जो भी हम मैनेजमेंट के थ्रू उन्हें जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, द फोर्थ प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन क्या होता है कि द स्कूल इज कंसिडर्ड एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन विच एवरी मेंबर शुड वर्क फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। फुल अंडरस्टैंडिंग एंड गुडविल शुड प्रिवेल बिटवीन द हेड मास्टर एंड द टीचर्स, बिटवीन स्टाफ एंड स्टूडेंट्स, बिटवीन पेरेंट्स एंड स्कूल्स, एंड बिटवीन स्कूल एंड कंट्रोलिंग अथॉरिटीज। स्कूल जो है वो एक तरीके का कोऑपरेटिव सोसाइटी कहलाता है, जिसमें कि हर एक मेंबर जो है वो वर्क करता है, उसको हर एक मेंबर को वर्क करना चाहिए सभी के लिए, और सभी को करना चाहिए हर एक के लिए, जिससे कि फुल अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो सके हेडमास्टर और टीचर्स के बीच में, स्टाफ और स्टूडेंट के बीच में, पेरेंट्स और स्कूल के बीच में, और स्कूल और कंट्रोलिंग अथॉरिटी के बीच में। ओके, द लास्ट प्रिंसिपल इज अडैप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। अडैप्टेबिलिटी कहें तो अडैप्टेबिलिटी मतलब जो जैसा भी समय के साथ जो भी नए नए रूल्स आते हैं, नई नई पॉलिसीज आती हैं, नए नए टेक्निक्स आती हैं, टेक्नोलॉजीज आती हैं, तो उन्हें जो है एजुकेशन मैनेजमेंट को मैनेजमेंट जो होता है अगर प्रॉपर मैनेजमेंट है तो वो इजीली अडाप्ट कर पाता है, अडाप्टेबल होना चाहिए, और साथ ही साथ फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि मतलब अडाप्ट तो कर लिया बट फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि
जो भी पुरानी कंटिन्यू में जो भी पुराना सीरीज चला आ रहा था, पुराना जो मैनेजमेंट प्रोसेस चला आ रहा था, उसमें हम थोड़ा सा चेंज कर सकें टाइम के अनुसार। नए नए जो भी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नए नए जो भी एजुकेशन सिस्टम आ रहा है, जो टूल्स टेक्निक्स आ रही हैं, उसके हिसाब से जो हम एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा फ्लेक्सिबली होकर के चेंज कर सकें, जिससे कि किसी को प्रॉब्लम भी ना हो और हमारा सिस्टम भी जो है वो समय के अनुसार एडजस्टेबल हो सके और स्टेबल भी होना चाहिए। क्योंकि ये ना हो कि अडेप्ट किया हमने और किसी भी जो है सिचुएशन को अडेप्ट किया बट हम स्टेबल ना हो पाए, नहीं, इस तरीके से अडेप्ट करना है कि आप में स्टेबिलिटी बनी रहे, उस पर्टिकुलर एजुकेशन सिस्टम में स्टेबिलिटी बनी होनी चाहिए। ओके, अब आते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं एजुकेशन मैनेजमेंट के। तो जैसा कि डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं कि फंक्शंस हैं डिसीजन मेकिंग, मोटिवेशन, कंट्रोल, कोऑपरेशन एंड इवैल्यूएशन। तो पहला है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इज अ की फैक्टर इन एजुकेशन मैनेजमेंट, एज हियर वी हैव टू थिंक ऑफ जनरेशन विच विल बी अफेक्टेड बाय द पॉलिसीज डिसाइडेड। हैविंग कंसिडर्ड वेरियस अल्टरनेटिव एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ ईच कोर्स ऑफ एक्शन, अ सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन मस्ट बी डिटरमाइंड। मतलब कहने का ये है कि डिसीजन मेकिंग इस तरीके का होना चाहिए कि सिंगल पर्सन, मतलब एज अ मैनेजर जो है वो ही अकेला डिसाइड ना करे किसी भी पॉलिसीज़ को, किसी भी रूल्स को एजुकेशन सिस्टम के लिए। उनको जो है वेरियस अल्टरनेटिव को कंसिडर्ड करना चाहिए, सबके व्यूज़ को कंसर्न करना चाहिए, फिर उसके बाद जो अल्टरनेटिव हमने कंसिडर्ड करें उनके कॉन्सिक्वेंसेस को कंसर्न करें, फिर जो भी उसमें से सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन है उसी को ही डिटरमिन करें, उसी को ही फाइनल करें। ठीक है, दूसरा है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट इन डिसाइडिंग पॉलिसीज एंड प्लान्स हेल्प इन मोटिवेशन। द टर्म मोटिवेशन एम्स टू मेक द मैन टू बी चेयरफुली विलिंग टू डू द जॉब वी वॉन्ट हिम टू डू। मतलब जब हम पॉलिसी डिसाइड करते हैं और हम जो है सभी का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है तो कहीं ना कहीं हेल्प करता है मोटिवेशन के लिए। कि लोग ये सोचते हैं, टीचर्स हो या स्टूडेंट हो, कि अरे हमारे तो मैनेजर ने हमसे जो है हमारा इन्वॉल्वमेंट, हमारा पार्टिसिपेशन को तवज्जो दी, हमें वैल्यू दिया किसी भी डिसीजन को लेने में, जो है हमारा इन्वॉल्वमेंट रहा उसमें, तो वो कहीं ना कहीं खुद ही अंदर ही अंदर अंदर से मोटिवेट होते हैं और जैसा हम चाहते हैं, जैसा हम अपने एजुकेशन सिस्टम के लिए चाहते हैं, वो वैसा ही काम करते हैं। तीसरा है कंट्रोल। इफेक्टिव कंट्रोल इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कंट्रोल भी कैसा होना चाहिए? इफेक्टिव। इफेक्टिव कैसा? कि हमने वर्क तो मतलब पॉलिसी तो डिसाइड कर ली, वर्क को डिवाइड भी कर दिया और प्रॉपर फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर दी, बट हमें टाइम टू टाइम चेक भी करना चाहिए और इसके लिए जो है हमें ये देखते रहना चाहिए कि जो भी हमने प्लान किया था उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही हैं कि नहीं, उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि नहीं, जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो कैसी हो रही है, हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हो रही हैं कि नहीं। अगर कहीं भी मिस मैच हो रहा है, कभी मिस्टेक्स हो रही हैं आपके प्लान में, तो उसके लिए आप करेक्टिव एक्शन ले सकें, जिससे कि जो है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो और जो हमारा गोल है हम उसे सक्सेसफुली अचीव कर सकें। चौथा आता है कोऑपरेशन। इट इज़ रिक्वायर्ड ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, द पर्सन, मटेरियल एंड आइडियाज, नॉलेज एंड प्रिंसिपल्स एंड सो टू इंटरवीव देम एज टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव एंड अ सिंगल इफेक्ट। ठीक है, मतलब कोऑपरेशन होना चाहिए सभी में, जो रिलेशन हो पीपल में वो हारमोनियस रिलेशन होना चाहिए उनके बीच में, जो एलोकेशन ऑफ टास्क है वो भी प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है जो पर्सन्स, मटेरियल और आइडियाज में जो है प्रॉपर हारमोनियस रिलेशन होना चाहिए, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना आ सके गोल्स को अचीव करने में। लास्ट है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन इज अ गुड वे टू फाइंड आउट द सक्सेस ऑफ फेलियर ऑफ अ प्रोजेक्ट। इवैल्यूएशन से हम जो है अपने प्लान के सक्सेस या फेलियर को हम पता कर सकते हैं। ठीक है, हम ये देख सकते हैं कि अच्छा हमने जो प्लान किया था अगर वो सक्सेसफुल हुआ है तो
अच्छी बात है कि सक्सेसफुल हुआ है हमें, और उससे हमें ये पता चलेगा हम और क्या बेटर करें जिससे आज के समय में वो और अच्छा रिजल्ट दे। और अगर फेल हुआ है तो क्यों फेल हुआ है, उस जहाँ जहाँ पे भी गलतियाँ हुई हैं उनमें करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए, उनको हम ध्यान रखें। अगली बार जो है जब प्लान करें तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि नहीं, ये चीज़ें प्रॉब्लम आ सकती है और इन्हें हमें करेक्ट कर लेना चाहिए। सो दैट्स वाई एवोल्यूशन जो है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एजुकेशनल मैनेजमेंट फंक्शन। अब आते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। जैसा कि इम्पॉर्टेंस जो है डायग्राम के थ्रू हम देखें तो पहला इम्पॉर्टेंस क्या है, सोशल चेंज। एजुकेशनल मैनेजमेंट, अगर हम किसी भी एजुकेशन सिस्टम को प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं, उसके ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज का प्रॉपर हम जो है ध्यान रखते हुए कि उन पे क्या इफेक्ट हो रहा है इसका हम ध्यान देते हैं, तो कहीं ना कहीं सोशल चेंज जो है वो पॉसिबल होगा। हम जो भी जो है पढ़ा रहे हैं, जो भी हम स्टूडेंट्स को हम एजुकेशन दे रहे हैं, उसकी वजह से जब वो सोसाइटी में जाएंगे तो वहाँ के जो वैल्यूज़ हैं, जो कल्चर्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं चेंज आएगा। दूसरा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ व्हाट? ऑफ द ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। अगर हमारे पास स्टाफ 10 है तो हम 100 लोगों को इस तरीके से हम जो है टीचिंग के प्रोसेस में लगाएं कि कोई भी टीचर जो है वे एक तो खाली नहीं होना चाहिए, और स्टूडेंट्स जो है कभी भी बेकार या खाली ना बैठें, जिससे कि उन्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहे। और जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं उनका भी हमें प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए। थर्ड है मिनिमाइजेस वेस्टेज। एजुकेशनल मैनेजमेंट अगर हम प्रॉपर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वेस्टेज जो है वो मिनिमाइज होगा, कम होगा, वेस्टेज जो है नहीं होगा। मैनेजमेंट की वजह से चीज़ों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। फोर्थ क्या है, अचीवमेंट ऑफ गोल्स। एजुकेशनल मैनेजमेंट का मतलब ही होता है कि अचीवमेंट ऑफ गोल्स। हम गोल को जो एक पर्टिकुलर एजुकेशन सिस्टम का जो गोल है हम उसे बहुत ही इजीली और इफेक्टिवली अचीव कर पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, एजुकेशनल मैनेजमेंट की वजह से। ठीक है, तो कोई भी अगर एजुकेशन सिस्टम अगर उसका गोल अचीव नहीं हुआ, वो जो प्लान किया था वो अचीव नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि उसका मैनेजमेंट प्रोसेस ठीक नहीं है। तो इसलिए अचीवमेंट ऑफ गोल के लिए भी इम्पोर्टेंट है एजुकेशनल मैनेजमेंट। सो नाउ गाइस कम टू द कंक्लूजन। एजुकेशनल मैनेजमेंट वर्क्स विथ एंड थ्रू पीपल टू अकॉम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। एजुकेशनल मैनेजमेंट जो होता है कि वो जो है वर्क करता है पीपल के साथ और पीपल के थ्रू, दोनों तरीके से काम करता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अकॉम्प्लिश करने के लिए। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट मोर कंसर्न विद डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। वो सिर्फ डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग से कंसर्न करता है, बट एजुकेशनल मैनेजमेंट जो होता है वो पीपल के पीपल से कंसर्न करता है। ठीक है, इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड एजुकेशनल मैनेजमेंट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अ स्मूथ रनिंग एंड ग्रोथ ऑफ अ हेल्दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इस नए ज़माने में अगर देखा जाए तो एजुकेशन मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए, उसके स्मूथ रनिंग के लिए और उसकी हेल्दी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।